नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भू कानून पर आज अहम बैठक होगी। भरारीसैंण में आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है, तो सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिव के साथ दो पूर्व मुख्य सचिव भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर मंथन होगा और उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश में सख्त भू कानून लागू किए जाने की मांग समय समय पर उठती आ रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी विधानसभा बजट सत्र के दौरान एक भू कानून लाने की बात कही है। ऐसे में शासन स्तर पर भू कानून को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में आज भरारीसैण में भू कानून को लेकर बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने जा रही ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है भू कानून को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है? देखिए साहिल, जिस तरह से उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार कहीं जो संगठन है, अलग अलग लोग हैं, वो लगातार भू कानून की मांग सरकार से कर रहे थे। और आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भरारीसैण में जो पलायन निवारक जो आयोग है उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। साथ ही साथ इस पर भू कानून को लेकर के भी आज चर्चा इस बैठक में होनी है। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले, खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि तमाम जो वर्ग है वो लगातार भू कानून की मांग यहाँ पर कर रहा था। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें जहां पर आज विकास नहीं हो पा रहा है या बहुत धीमी गति से वहां पर जो विकास हो रहा है, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं लोगों की जो मंशा थी, लोगों में जो अटकलें थी वो लगातार बढ़ रही थी, लोगों की जो चेष्टा है वो बढ़ रही थी। और इसी को लेकर के आप चाहे वो अलग अलग जनपदों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, तो वहां पर भी लोगों का मानना था कि कहीं ना कहीं प्रदेश में वो कानून होना चाहिए। तो अब सरकार इस पर चिंतन कर रही है, सरकार मनन कर रही है और आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज भरारीसैण में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो हरीश से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो भू कानून को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी। तो सीएम धामी ने भू कानून को लेकर एक अहम बात यहाँ पर कही थी और उसी के चलते अब देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में लगातार भू कानून को लेकर मंथन यहाँ किया जा रहा है। आज महत्वपूर्ण बैठक है। हरीश खनेड़ा हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरीके से आज भू कानून को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक है, कई मायनों में इस बैठक को खास माना जा रहा है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर जो बात कही थी, अब उसी पर तेजी के साथ कार्य करती हुई सरकार भी नजर आने लगी है। देखिए साहिल, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा कि मुख्यमंत्री एक युवा मुख्यमंत्री होने के नाते कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम ऐसे कानून जो ठोस कानून है वो यहाँ पर प्रदेश में लागू किए हैं, चाहे यूसीसी की बात करें, चाहे हम दंगा विरोधी की बात करें, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें, चाहे धर्मांतरण विरोधी कानून की अगर बात करें, तो तमाम ऐसे जो कानून है प्रदेश में लागू हुए हैं। अब इसी में जो लोग हैं या चाहे वो यहाँ के स्थानीय निवासी हों, चाहे जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हों, लोगों की भी मांग थी कि कहीं ना कहीं सरकार अब प्रदेश में भू कानून लेकर आए। और भू कानून की जो मांग है वो लगातार अलग अलग संगठन भी उठा रहे थे। इस बार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने इस पूरी बातचीत को लेकर के, पूरे जो संगठनों की जो समझ को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आज आहूत की है। और इस बैठक में जो बैठक है गैरसैंण के भरारीसैण में होने जा रही है विधानसभा में, और जो सभागार होंगी वहां पर ये बैठक होने जा रही है। और इसमें खुद मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, खुद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। अब देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन बहरहाल आज की अगर जो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार भू कानून को लेकर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उत्तराखंड वासी जो है वो समय समय पर भू कानून को लेकर मांग करते रहे हैं। अब आज ये जो बैठक हो रही है, इससे कहीं ना कहीं भू कानून को लेकर जो रास्ते हैं वो खुलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे और एक उम्मीद जो है सरकार से भू कानून को लेकर निवासियों की, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रबल यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि आज जिस तरीके से अब भू कानून को लेकर सीरियसनेस यहाँ पर सरकार की नजर आ रही है, उससे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो लोगों की मांग है वो भी जल्द पूरी होने की उम्मीद यहाँ पर है। देखिए, इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने बैठक की थी और जिसमें साफ तौर पर ये कहा था कि जो भी
जो लोग होंगे, जो बाहरी व्यक्ति होगा, वो यहाँ पर कम से कम जो जमीन खरीदेगा तो उस पर किस पर्पज से वो जमीन खरीदता है और उस पर क्या उसका नियोजन है। अगर उस पर उस तरीके का काम नहीं होता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और जो जिस पर्पज से वो जमीन खरीदी गई थी उसे भी सीज किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने दिया था। साथ ही साथ आज की अगर बात करें तो आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है बरारी शहर में। एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस बात को लेकर है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लंबे समय से जो संगठन है, अलग अलग जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनकी मांग थी कि प्रदेश में भू कानून लागू किया जाए और इस तरफ अब लगातार सरकार सोच भी रही है। और आज की अगर बात करें तो आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और जिसमें जो पलायन निवारण आयोग है उसके साथ भी बैठक होगी। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी एक कार्यशाला का आयोजन होना है क्योंकि प्रदेश सरकार भी चाहती है कि महिलाओं का उत्थान हो। और दूसरी तरफ एक भू कानून को लेकर जो बैठक होनी है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और लगातार चाहे वो अलग अलग संगठनों के लोग हों, चाहे वो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हों, खुद आपने देखा कि यहाँ के लोग गायक जो नरेंद्र सिंह नेगी हैं उन्होंने भी भू कानून को लेकर के सवाल उठाया था। तो लगातार ये जिस तरह के जो सवाल हैं वो उठ रहे थे, इसको लेकर क्या मुख्यमंत्री खुद इसमें एक्शन मोड में दिख रहे हैं और खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है भू कानून को लेकर और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे विषय को लेकर के काफी गंभीर है, काफी चिंतित है और सरकार की जो मुखिया है पुष्कर सिंह धामी वो खुद आज इस बैठक को ले रहे हैं और बैठक में क्या कुछ निकल के जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आज बैठक होने जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि भरारी सेन में ही बैठक होने जा रही है। जी चलिए हरीशा बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। उधर आज बद्रीनाथ के दौरे पर सीएम धामी रहेंगे, सीएम बद्री विशाल के दर्शन पूजन करेंगे। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद हो रहे हैं और आज से पंच पूजन प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में आज से कपाट बंद होने की प्रक्रिया, पंच पूजाएं शुरू होने जा रही हैं। आने वाले 5 दिनों में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। तो 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। वहीं इस बार अब तक 13,60,000 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुँच चुके हैं और अब भी 5 दिनों की यात्रा शेष रह गई है जिसमें यह आंकड़ा 14 से 15 लाख के करीब जा सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और बस 5 दिन का समय और रह गया है, उसके बाद बद्री विशाल के कपाट जो है वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और सीएम के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए शायद क्योंकि अब चारों धाम के जो कपाट हैं वो लगभग बंद हो चुके हैं। अगर हम 3 धामों की बात करें तो यहाँ पर कपाट बंद हो गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बद्रीनाथ की अगर बात करें तो भगवान बद्रीनाथ के जो कपाट हैं उसकी बंद होने की जो तिथि है वो भी तय हो चुकी है, 17 नवंबर को कपाट बंद होने हैं। जो पंच पूजा है वो आज से शुरू होनी है, 13 तारीख से शुरू होनी है और लगातार इन 5 दिनों तक पूजा यहाँ पर चलेगी। आज प्रथम चरण में की अगर बात करें तो आज प्रथम चरण की जो पूजा है कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और इसके साथ ही क्योंकि अभी 5 दिन से लगातार जो दर्शन के लिए लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आज की अगर बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी में शामिल होने के लिए बद्रीनाथ में पहुंचेंगे और दर्शन भी करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे और सभी की प्रदेशवासियों के लिए जिस तरह से तमाम चाहे वो आपदा का दौर रहा हो, चाहे यात्रा का दौर रहा हो, प्रदेशवासियों के लिए कहीं ना कहीं एक यहाँ पर पूजन के साथ साथ उनके मंगल कामना की भी मुख्यमंत्री कामना करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री का दौरा बद्रीनाथ में भी है। भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से ठीक कुछ दिन पहले ही आज पूजा अर्चना में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं और ये साथ ही साथ BKTC की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो भी अब शुरू हो चुकी हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर मंदिर को सजाने का जो काम है, जो फूलों से यहाँ पर मंदिर को सजाया जाता है कपाट होने से ठीक पहले, और उसकी भी यहाँ पर तैयारियां हो चुकी हैं। मंदिर परिसर को पूरा साफ सफाई यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि अब कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे, उससे पहले सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती हैं। और इस बार की अगर बात करें तो भगवान बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो 17 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो तैयारियां हैं अब शुरू कर दी गई हैं। जी चलिए हरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को अपने आवास पर मनाने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इस पर्व को उत्तराखंड में भी मनाने के लिए कोटद्वार पहुंचे। तो कोटद्वार के ऐतिहासिक मालवीय उद्यान में आयोजित हुए इगास पर्व में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को PM मोदी की वजह से दुनिया जानने लगी है, जो हर उत्तराखंडी के लिए गर्व की बात है।
समय में हम इगास को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखने और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल स्वयं इगास के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली भी हैं। कल स्वयं देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वयं इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में इगास पूरे दुनिया में पहचाना जाएगा और प्रत्येक उत्तराखंडी इगास पे गर्व महसूस करेगा। परंपरा देवभूमि परंपरा विश्व की आध्यात्मिक राजधानी या देवभूमि उत्तराखंड, ये कोटद्वार ऋषि मुनियों की धरती है, ज्ञानी तपस्वियों की धरती है, बाबा सिद्ध बलि की ये पवित्र धरती है, करुण ऋषि की पवित्र धरती है। ये धरती में इगास का प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है, एकादशी का इसको रूप माना जाता है। यहाँ हम इगास कर रहे हैं, पहाड़ी भाषा में हरियाणा में एकादशी को ग्यास बोलते हैं, ग्यास से इगास हो गई। जिस दिन पता लगा था भगवान राम का उस दिन एकादशी थी, और जिस दिन जो हमारे सैनिक वहाँ तिब्बत में करने गए थे और त्योहार नहीं मना पाए थे, तो इसी दिन वो पता लगा कि भाई वो वापिस आ गए, तो उस दिन एकादशी थी, इसलिए इसका नाम इगास दे दिया। इसको पर्व से बहुत खुशी से जो है। उधर पौड़ी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला प्रशासन ने नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से इगास बगवाल पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने बताया कि मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान SHG ग्रुप, जागृति महिला एवं एकता स्वयं सहायता समूह की ओर से थड़िया चौफला व लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बगवाल पर मौजूद लोगों ने स्थानीय विधायक एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ जमकर भैला खेला। ये सर्वप्रथम तो मैं सभी जनपद वासियों को इस पावन पर्व पर इगास बगवाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करता हूँ। और आज ये रामलीला ग्राउंड में यहाँ पे सभी पौड़ी शहर के निवासी और आसपास के निवासी भी यहाँ पे आए हैं और इगास पर बगवाल पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि भैलो खेला जा रहा है यहाँ पे, और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है जो हमारे लोकल त्योहार हैं उनको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें हैं, उनके द्वारा अपने पुराने जो लोकगीत हैं, पुराने मांगलिक गीत हैं, उनको गाया गया। तो ये इतना अच्छा एक प्रयास है कि ये अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो, ये मांगलिक गीत, ये लोकगीत, तो ये इस पर्व को मनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सकेगा। आज भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। पिछली वर्षों की भांति आज भी इगास के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, सीडीओ पौड़ी की तरफ से, अपने तहसीलदार पौड़ी की तरफ से, सभी लोगों ने, सभी विभागों ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और सभी लोग, ये पौड़ी की आम जनता जो है बहुत खुश है, क्योंकि हमारे जो ये लोक पर्व है वास्तव में ये विलुप्ति की तरफ जा रहे हैं, इनको जिंदा रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। और हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारे लोक पर्व, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारे जो कल्चर है उसको बचाने का हम सब लोग प्रयास। उधर देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे 5 दिवसीय युवा महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही खेल से रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में जानकारियां दी गई। वहीं कार्यशाला में पहुंचे खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि कार्यशाला में स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों के साथ ही कोच भी मौजूद रहे। कार्यशाला के जरिए खिलाड़ियों को अपने भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के साथ ही खेल से रोजगार में मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई।
वहीं उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी है। हरिद्वार जिले के लिए नियुक्त किए गए कांग्रेस के चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने हरिद्वार में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की और संगठन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का मकसद ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना है जो पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित और जनता के लिए काम करने का जुनून रखते हों। प्रकाश जोशी ने पार्टी की चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने जनता के मिजाज को बदल दिया है। उन्होंने दावा किया कि इन जीतों ने राज्य में कांग्रेस की लोकप्रियता को बढ़ाया है और जनता का विश्वास कांग्रेस की ओर बढ़ा है। इसी कारण से पार्टी अब निकाय चुनाव में भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। प्रकाश जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी सरकार निकाय चुनावों को लेकर लगातार भयभीत है और हार के डर से चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जनता का सामना करने से बच रही है और निकाय चुनाव में देरी कर रही है ताकि उन्हें अधिक समय मिल सके। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और कांग्रेस पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। पूर्व में जिस बाई इलेक्शंस भी हुए, बद्रीनाथ का हुआ और मंगलौर से हुआ, और कांग्रेस को एक अच्छी बड़ी बढ़त वहाँ मिली और हम भी क्या आए और क्या होने के बावजूद देश की जनता मिजाज स्पष्ट होता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय चुनावों को पीछे ढकेलती जा रही है, लेट करती जा रही है, उससे स्पष्ट दिखता है कि अंदर एक दहशत है, एक भय का माहौल है चुनाव हारने का, ऐसे चुनाव नहीं करवा पा रही। मैंने कहा कि तो जो ये समझते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, पर भी पार्टी को तय करना चाहिए कि सच में उनके अलावा भी कोई और उम्मीदवार हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसी भी संभावनाएं कहीं ना कहीं बनेंगे। की बहुत ही ऊर्जा, हमारे बड़े भाई प्रकाश यहाँ का प्रभारी है, निश्चित उनका तजुर्बा है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, पूरे देश अंदर चुनाव करा के आए हैं वो लोग, तो उनको जितना एक्सपीरियंस है उसका निश्चित रूप से हमारी नगर पालिका क्षेत्र को भी फायदा मिले। उधर हरिद्वार के लोक पायलटों और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था के बीच एक विशेष कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य रेलवे पायलटों को वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर जागरूक करना और रेलवे लाइनों पर बरती जाने वाली जरूरी सावधानियों को साझा करना। बता दें कि हरिद्वार देहरादून रेलवे लाइन का एक बड़ा हिस्सा राजा जी टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है जो वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हाथियों और अन्य जंगली जानवरों के रेलवे दुर्घटनाओं में फंसने की संभावना बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यशाला में विशेषज्ञों ने ऐसे उपाय सुझाए जिनसे इन दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। कार्यशाला में विशेषज्ञों और रेलवे के लोको पायलटों और राजा जी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। तो विशेषज्ञों ने पायलटों को ट्रेन संचालन के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने, वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखने और ट्रेन की गति को नियंत्रित करने जैसे अहम सुझाव दिए। तो इसी बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। आज बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना वो करने वाले हैं। अब महज 5 दिन का समय और है, उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो आज बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उधर दून के 47 वार्डों में कूड़ा उठान कर रही इकॉन वाटर ग्रेस कंपनी के ड्राइवर हेल्पर फिर हड़ताल पर चले गए। इससे आधे शहर में कूड़ा उठान नहीं हो पाया। कंपनी कर्मचारियों ने बताया कि वार्ता के दौरान आश्वासन के बावजूद कंपनी ने स्टाफ को पूरा बोनस नहीं दिया, अक्टूबर का वेतन अब तक नहीं मिला, किराए के वाहन संचालकों को समय से भुगतान नहीं हो रहा है। उधर लोग सफाई वाहन आने का इंतजार करते रहे लेकिन इन वाहनों का संचालन ठप रहा। तो कूड़ा उठान का कार्य ठप यहां पर पड़ा हुआ है। हड़ताल पर वाटर ग्रेस के ड्राइवर और हेल्पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। पूजा अर्चना बद्रीनाथ धाम पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में महज 5 दिन का समय शेष रह गया है। 5 दिन बाद 17 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। लोगों से भी बातचीत करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए
पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से उनका हालचाल लेते हुए बातचीत करते हुए। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना पुष्कर सिंह धामी करेंगे। महज 5 दिन और शेष रह गए हैं, उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। तो आज से ही कपाट बंद करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, पंचदिवसीय पूजा की शुरुआत आज से हो रही है। 17 तारीख को पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से सीधी तस्वीरें, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करने बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। महज 5 दिन का समय और रह गया है, उसके बाद शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि इस बार 13,60,000 से भी ज़्यादा लोगों ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन पूजन किए और अभी 5 दिन की यात्रा और शेष है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आंकड़ा 14 से 15 लाख का हो सकता है। तो आज बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, पूजा अर्चना आज वो बद्रीनाथ धाम में करेंगे। उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 तारीख को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। आज से पंचदिवसीय पूजा की शुरुआत हो गई है, यानी कपाट बंद करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आज से हो गई है। 5 दिनों तक पूजा अर्चना होगी और 5वें दिन यानी कि 17 तारीख को पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की, ये तस्वीरें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुँचे हैं, जहाँ पूजा अर्चना वो करेंगे और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए नजर आएंगे। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे बद्रीनाथ धाम से, तस्वीरें जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।